जय गुरु जी। गुरु जी और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। ओवर टू यू सुरेश अंकल। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सात संगत जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से समस्त गुरु परिवार का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में किटी अंकल जो कि ब्लेस और संगत हैं, अपना सत्संग शेयर करने के लिए उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए किटी अंकल आपका अभिवादन करता हूं गुरु परिवार की तरफ से। ओवर टू यू किटी अंकल। अंकल अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। देख रहे हो? हाँ, एक और अंकल, मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आप अंकल आपकी आवाज आ रही है। अभी आपने आपका वीडियो शेयर ऑन नहीं है। अच्छा, एक वीडियो ऑन नहीं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक हाँ जी हाँ जी। जय गुरु जी किटी अंकल। जय गुरु जी अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी किटी अंकल। किटी अंकल आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को जय गुरु जी और गुरु जी का लख लख शुक्राना। ये इतना खुशमय जीवन देने के लिए। ओवर टू यू पूजा आंटी। मैं आवाज आ रही है? थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी। ओवर टू यू पूजा आंटी। जय गुरु। हाँ जी अंकल आवाज आ रही है। जय गुरु जी सारे गुरु परिवार को। जय गुरु जी। नमस्ते गुरु जी। जय गुरु जी किटी अंकल। आज हम धन्य हो गए आज आपका सत्संग शेयर आप जो करने वाले हो। बिकॉज जब हम गुरु जी के टाइम की संगत से यहाँ पे मिलते हैं तो हमें यही होता है कि हम अभी आज गुरु जी से मिल लेंगे, क्योंकि आप हमें उस दौर में ले जाते हैं। क्योंकि हम गुरु जी को नहीं मिल पाए तो आप एक जरिया बना देते गुरु जी कि हमें उनके होने का उनके साथ। गुरु जी तो बोलते मैं संगत में बसता हूँ। तो आज ऐसे उम्मीद ऐसे है कि बस सभी हम बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है कि आज हम जर्नी आपके साथ हम उस दौर पे चले जाए। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मल्टीलिंगुअल ग्रुप की तरफ से। शुक्राना गुरु जी महाराज। अंकल बिफोर यू शेयर योर जर्नी विद गुरु जी, आई रिक्वेस्ट यू एंड पूरे गुरु परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट करती हूँ कि गुरु जी का एक वचन था जैसे कि मेरी उपस्थिति में सेल फोन का प्रयोग मत करना, वरना तुम्हारा आशीर्वाद उसको चला जाएगा जिससे आप बात करोगे। तो आप उसके लिए पहले अपने भाव, फिर उसके बाद आपकी बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। गुरु जी आप सबका शुक्राना। गुरु जी महाराज के पास जाते थे तो वो कहते थे कि जब अंदर जाते थे तो कहते हैं जब आप बाहर जूते उतार के आते हैं तो अपना मोबाइल और अपनी बुद्धि को आप बाहर रख के आओ, क्योंकि मोबाइल फोन यूज करने से आपको जो मैं ब्लेसिंग देता हूँ आप जिससे बात कर रहे होते हैं वो उसको ट्रांसफर हो जाती है। गुरु जी महाराज ने पंडितों पुजारियों के, मेरे हर सत्संग में आप सुनेंगे, पंडितों पुजारियों के चक्रों में पढ़ने से मना किया,
उन्होंने कहा पहले भी मैं हूं भी मैं और मेरे बाप भी मैं। उन्होंने कहा यहाँ कोई गद्दी नहीं चलती, इतने आज भी मैं वहां मेरा परिवार कोई ऐसी स्पिरिचुअल पावर नहीं है, वो भी आपकी तरह संगत है। ये गुरु जी महाराज के वचन थे। उन्होंने कहा कि एक भी परिवार का आदमी आएगा तो मैं पूरे परिवार को ब्लेस कर दूंगा। उनका एक वचन था कि मेरे पास आने से पहले आपका जो नित्य कर्म है पूजा पाठ करना ही खाली पूजा पाठ नहीं है, कहते अपने परिवार की औरत की बच्चों की सेवा करना सबसे बड़ा काम है जो आप अगर करके आएंगे तो मैं आपको आते ही यहाँ और आप तो मैं आपको ब्लेस करता हूँ। अगर आप किसी को लाते हैं तो उसको भी मैं आपके बाद ब्लेस करता हूँ। और सच तो मैं गया, मैं शायद अपने जब 90 में गया था गुरुजी का 1990 में, तो मेरे से ज्यादा हालात किसी के बस नहीं थे, तो मैंने सब कुछ पाया। आप मेरे सत्संग यूट्यूब पे सुनते हैं तो उसमें सुनेंगे कि लास्ट में कि इस दुनिया में मैं सबसे सुखी इंसान हूँ, परिवार से, पैसे से, धन दौलत से, गुरु कृपा से और आप जैसी संगत से। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। उन्होंने ये बर्थ स्टोन जो हम पहन लेते हैं पंडितों के कहने पे, एस्ट्रोलॉजर्स के कहने पे, इसके लिए गुरु जी मना करते थे। उन्होंने कहा था कि मेरे जाने के बाद आपको मेरी कीमत नजर आएगी। जो जो गुरु जी ने कहा वो आज मैं देख रहा हूँ। आई एम 72 ईयर्स ओल्ड, मैं देख रहा हूँ। गुरु जी ने कहा था कि मेरे बाद एक महामारी, और उन्होंने कहा था इसका समय है 2027 तक चलेगी, वो समय आ गया। उन्होंने बताया आने वाला समय बड़ा ओखा है, बड़ा मुश्किलों भरा है। उसके बाद उन्होंने जो आज कहा कि घर घर में कैंसर होगा, घर घर में डाइवोर्स होगा, आपके सामने आप अपने चारों तरफ नजर घुमा के देखो। मैं सुबह से शाम तक संगत में जुड़ा हूँ, आप लोगों का प्यार मिलता है। मैं जाता हूँ तो मेरे आंसू आते हैं जब मैं सत्संग करता हूँ। जो आंटी आती है वो अपना एक रोटी लेके आती है, सुनता हूँ, बड़ा दुख होता है। कैंसर पेशेंट आते हैं, मिलते हैं तो हमारे पास जो गुरु जी बता गए हम कैसे उपाय करना है, कैसे गुरु चरणों में शीश नवाना है, तो उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग उनको बताते हैं। तो आज गुरु जी ने समस्त ब्रह्मांड का कल्याण किया। उन्होंने कहा कि सूरज भी मेरे से सुबह परमिशन लेके निकलता है और कहते हैं कि आज जो मैं हूँ मेरे बाद आप मुझे एक इंसान समझते हैं। उस टाइम गुरु जी को कोई भी नहीं समझता कि गुरु जी है, ये कुछ करेंगे। और आज जो उस समय की संगत है, उस समय जब मैं थोड़ा बड़ी कम संगत थी, 50-60 संगत थी, तो उन लोगों ने कहा, उन्होंने सोचा कोई बाबा आए हैं चले जाएंगे। उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद मेरी कीमत नजर आएगी। आज करोड़ों की संगत जो है गुरु जी के साथ जुड़ी है। अभी मेरे 2 से लेके 3 चक्कर लगे हैं ऑस्ट्रेलिया में, मेरी डॉटर रहती है तो मैं संगत के बीच में जाता रहा हूँ, और भी अभी पुर्तगाल भी पीछे गया था। तो गुरु जी महाराज की बड़ी कृपा है। तो मेरे साथ जो गुरु जी ने मेहर की है वो मैं आप लोगों के बीच में डेली एक्सप्लेन करता हूँ। एक उन्होंने कहा कि कभी किसी की निंदा नहीं करनी, कभी किसी की नेगेटिव बातें नहीं सुननी, वो नेगेटिविटी आप में आते और आपकी पॉजिटिविटी उधर चली जाती। उसके बाद गुरु जी का कहना था कि आप एक परिवार का एक भी सदस्य मेरा लंगर कर जाएगा तो मैं पूरे परिवार को उससे ब्लेस कर दूंगा। और वही हुआ। सबसे पहले मैं गया, उसके बाद मेरी वाइफ ने जाना शुरू किया। आज गुरु जी की कृपा है कि हम पूरा परिवार उनका गुणगान करते हैं। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना एक सत्संग शेयर करता हूँ। 2016 के अंदर, 2016 के अंदर मैं सत्संग में जाता था, जहां जहां सत्संग शेयर भी करता था। तो 2016 में मुझे कॉल आई कि एक अंकल कोरोना से पीड़ित है, सॉरी कैंसर से पीड़ित है और वो इस जगह पे रहते हैं। मैंने मैसेज को सेव कर लिया। मैंने वो नंबर को जब दोबारा डायल किया तो वो नंबर नहीं मिल रहा, रॉन्ग नंबर में जा रहा था। मैं उस एड्रेस पे पहुंचा, वो एड्रेस था दिल्ली में, एक जगह है खानपुर, और मैं कुछ आंटियों को लेके गया, सेवा मिली हुई थी, गुरुजी की हुक्म था। तो उस परिवार में जब मैं गया तो उस परिवार के अंदर एक 25 साल का बच्चा जो कैंसर पीड़ित था,
परिवार में उनकी 5 बेटियां थी, अकेला बेटा था। वो गुरुजी के महाराज के बारे में कुछ नहीं जानते थे। पहली दफा उन्होंने गुरुजी का नाम सुना जब ने उनको जाके बैठा। बड़ी देर बैठे रहे, हम उनसे बात बात करते रहे, उनको समझाते। बच्चा बेड रिटन था, तो मैंने जब गुरु महाराज का बताया कि इधर से कुछ दूरी पे बाटी में गुरु जी का आश्रम है, तो उन लोगों ने बातें सुनी। अरे आधा घंटा पौना घंटा हो गया मैं वहां बैठे हुए बातें करते हुए, मैं सत्संगी शेयर कर रहा था, तो उन्होंने इतनी कटसी नहीं कि हमें एक गिलास ऑफ वाटर भी ऑफर करें। गर्मी का टाइम था, मैंने उनसे कह के जल प्रसाद मंगाया, गुरु जी के चरणों में लगा के जो लॉकेट में पहनता हूं मैं उसी से ब्लेस करके, स्वरूप मिले ना मिले उसी लॉकेट को उतार के मैं ब्लेस करा के मैंने जल प्रसाद लिया और मैं दिया। जब उनको बताया 3 घंटे हम बाहर रहे, जब 3 घंटे में जब मैंने गुरु जी के बारे में उनको बताया तो उनको यकीन हुआ कि शायद वाकई में कोई ईश्वरीय कृपा है वहां। तो उन्होंने बोला आप क्या करेंगे, मैंने कहा हम इस बच्चे को बड़े आश्रम लेंगे। मैं कमिंग जो मंडे आया, हम लोग थर्सडे को गए थे, थर्सडे को मैं एक सत्संग में व्यस्त था, तो उनसे टाइम फिक्स हुआ मंडे को, तो मैं इस बच्चे को लेकर बड़े मंदिर गया, गुरुजी का हुक्म था, वहां गया। वहां जाके मैंने उसको माथा टिकाया, जल प्रसाद 2 लोगों ने हम पकड़ के ले गए और जो गुरुजी की गाइडलाइन थी उसको समझाई बच्चे को, उस परिवार में बताया। 5 बहनों का भाई था, तो उसके पेरेंट्स ने हमें बताया कि डॉक्टर से इसको जवाब दे दिया हुआ है, इसके कुछ दिन बाकी रह गए। मैंने कहा ऐसा नहीं है, जब तक गुरु महाराज की कृपा है, डॉक्टर का जो मेडिकल साइंस है वो अपना काम करेगी, मेरे गुरु महाराज की साइंस अपना। उस बच्चे को मैं था टीका खिलाया, उनको यकीन हो गया। उसके बाद मैंने सेवा मुझे दे दी, मैं मंडे थर्सडे 2 दिन ड्रॉप करना मेरे साथ संगत की आंटी परिवार में हम जुड़ते गए कि आप इसी कंडीशन में इस बच्चे की शादी नहीं करवा सकते। मैंने कहा उससे क्या होगा, ये ठीक हो जाएंगे? कहते नहीं, अगर ये कल को नहीं भी रहा, इसका एक भी औलाद हो गई, बच्चा हो गया, तो हमारे परिवार का नाम रह जाएगा। मैंने कहा ऐसा मत सोचिए, ये गुरु महाराज अपने आप मेहर करेंगे। 6 महीने तक गुरु महाराज के आदेश से मैं उसको बड़े मंदिर लेके जाना, लेके आना, ड्रॉप करना। 6 महीने के बाद मैं और अंकल जो संगत हमारे साथ, हम लोग सत्संग जाते थे डोर टू डोर, मैंने उसको लेके जाना और ड्रॉप करना। जब 6 महीने पूरे हो गए तो बच्चे से मैंने पूछा, कहते अंकल मुझे पहले से तो बहुत ज्यादा फर्क नजर आता है। मैं कहा कुछ दिन और इंतजार करें, तो मेरे गुरु का नंबर है 7। 7वां महीना जब पूरा हुआ तो हम GK2 के अंदर एक आंटी की सत्संग में गए, तो उस बच्चे को मैंने मैसेज डाला कि मैं आ रहा हूँ। तो कहते अंकल आप अंदर तक नहीं आना, क्योंकि वो विलेज के अंदर रहता था, बड़ा डीप में था, ट्रैफिक रहता था, तो बाहर खानपुर मेन रोड रेड लाइट पे मुझे मिला, मैंने उसे पिक किया। तो हम 12 से 2 बजे का सत्संग था, तो उस बच्चे को हम लेके उस सत्संग में गए। वो आंटी GK2 में 2nd फ्लोर पे रहती थी, सत्संग में उसे थोड़ी सेवा की, तो मैं देख रहा था गुरु महाराज की कृपा। जो बच्चा बेड पे लेटा रहता था वो कहते हैं कि अंकल आज चाय प्रसाद की सेवा मैं करूंगा। मैंने कहा बेटे आपकी तबीयत ऐसे ही है और है और हम आए आप बैठो, कहते नहीं। वो बच्चा सेवा करने लगा, मैं उसको देख रहा था, गुरु जी के शब्द चल रहे थे, मेरे आंसू बह रहे थे। क्या मैं क्या, गुरु जी आपकी मेहर इतनी जल्दी होती है? अगर गुरु चाहे तो 7 मिनट में, 7 सेकेंड में, 7 दिनों में, 7 हफ्तों में, मैक्सिमम अगर हमारे बड़े खोटे कर्मास है तो 7 साल में हमारी दुनिया बदलती है। एक शब्द है ना कि सानू पता है बदल सकता है हथां दियां लकीरां नू, सानू पता है बदल सकता है मत्ते दियां लकीरां। मैं भी उनमें से एक था जिसको 7 साल में गुरु जी ने नया जीवन दिया। एक बार गुरु जी ने कहा था, कहने तनु मैं एक समस्या तो कड़िया, उनका मतलब था कि मैं तनु खू तो कड़िया, तू खाए च गिर गया,
खाई तो कड़िया ते दरियाए च गिर गया, दरियाए चो कड़िया ते सीधा तो समुंदर च गिर गया, समुंदर दी गहराई दा अंत नहीं, उतो बंदा बाहर नहीं निकलता, डूबी जांदा, मैं ते तेनूं उतो कड़िया। तो मैंने तो गुरु जी से वायदा किया था कि रेस्ट ऑफ लाइफ मैं अपना बिजनेस वगैरह, मेरा बिजनेस था, मैं सब कुछ वाइंड अप करके आपकी सेवा में। आंटी का पे मेरे गुरु की बड़ी कृपा है, उनका थ्राइटस ठीक किया, उनको गवर्नमेंट जॉब दी, गुरु जी की कृपा से मेरी दुनिया बदली। तो मैंने कहा रेस्ट ऑफ लाइफ में गुरु जी की, मैं और आंटी, आंटी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, मैंने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली। मैं पिछले 24 साल से ज्यादा समय हो गया, मैं और आंटी सारा दिन हम लोग कोशिश रहती कि सत्संग की सेवा मेरे करके, छोटे मोटे काम तो चलते रहते, कहते ना उतराइयां चढ़ाइयां ते हर जीव ते आंधियां ने, अगर कृपा हो तेरी तो उन्होंने मुझे हर परेशानी से निकाला। वो बच्चे को सेवा में लगा था, शाम को जब लंगर का टाइम हुआ, 4 बजे लंगर का टाइम हुआ सत्संग के बाद, क्योंकि मैं बड़ी गाइडलाइंस के साथ गुरु महाराज के हुक्म के अनुसार ही सत्संग में जाता हूँ, और अपनी कंडीशंस कि आप बात नहीं करेंगे, आप ताली नहीं बजाएंगे, आप वहां एक दूसरे के कपड़े नहीं देखेंगे कि क्या पहने, और पूरा सत्संग होने के बाद ही लंगर प्रसाद मेरी कृष्ण में, जहां जहां भी जाता हूँ गुरु महाराज की कृपा, 1-2-3 जगह भी जाता हूँ, कोरोना पीरियड में एक जगह ही जा रहा, या कभी नहीं भी गए, तो वह पहली आप डिसिप्लिन एंड गाइडलाइंस को ओवर फॉलो करेंगे तो मैं आऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं आऊंगा। क्योंकि हमें किट्टी पार्टी में, मेरा नाम किट्टी अंकल है, हम किट्टी बनाने नहीं है, हम गुरु महाराज के चरणों में आए हैं हाजिरी लगाने, कुछ पाने के लिए आएंगे, तभी अब हम गुरु महाराज से जुड़े रहेंगे। सत्संग पे आते, वो बच्चा सेकंड फ्लोर नीचे, तो जीके 2 के अंदर हर हाईफाई परिवार रहते हैं, तो वहां आंटियां कार अपनी अपनी गाड़ियों से आई थी, ड्राइवर नीचे थे, तो वो बच्चे ने 2-2 थालियां पकड़ के थर्ड फ्लोर सेकंड फ्लोर से नीचे 20-22 चक्कर लगाए। मैं वहां संगत से बातें कर रहा था कि जो बच्चा बेड रिटर्न था, जिसको कैंसर हो गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया, वो बच्चा इस कदर सेवा में आ गया, गुरु महाराज की मेहर। मैं सत्संग में बहुत आंसू बहाता हूं, उनका शुक्राना करता हूं आंसू बहा के, कि गुरु जी ने आपने एक मुर्दे में जान फूंक दी। हम देखते रहे, 5 बजे वहां से हम लोग निवृत्त होके हम लोग लाजपत 2 में जहां मेरा रेजिडेंस, वहां आगे सत्संग था, वो सत्संग मंत्र जाप आरती हो रहा था, वहां हमने सत्संग शेयर किया। सत्संग शेयर करने के बाद शाम को 7-9 करोड़ बाग में सत्संग था, फैज रोड पे जहां हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है उस गली में, तो वहां हम लोग सत्संग में चले गए। सत्संग में गए तो जिस घर में सत्संग है वो फैज रोड पे था, तो उन्होंने बेटे की शादी की थी, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, वो लोग गुरु जी को नहीं मानते थे, वो बांके बिहारी जी को मानते थे वो परिवार, मगर घर में जो बेटे की शादी की बहू आई वो गुरु जी की भक्त थी। अभी शादी को 1-1.5 महीना हुआ था, उसने आके ही घर के हालात देखे, तो उसने कहा मेरे हालात ठीक हो जाए गुरु महाराज, लोग मन्नत मान लेते हैं, जबकि गुरु जी क्या मन्नत मानने की रुकती है, उनकी मेहर होती है तो सत्संग अपने आप गुरु जी करवा लेते हैं। उसने मन्नत माननी कि मेरे घर के हालात ठीक होंगे, मैं गुरु जी आपका सत्संग करूंगी, कोई प्रॉपर्टी को लेके झगड़े थे। वो सत्संग हुआ, सर्दी के दिन थे, 21 दिसंबर 2016 का दिन था, तो शब्द चल रहे थे 2 घंटे के शब्द, अब तो टाइम 1.5 घंटा कर दे, तो 2 घंटे के शब्द चलते थे, उसके बाद 15 मिनट आरती और मंत्र जाप, और उसके बाद सत्संग शेयरिंग का टाइम। शब्द चल रहे थे, घर में जो उसकी सासू माँ थी
ससुर भी बैठे थे, वो थोड़ा किचन में लंगर प्रसाद की सेवा कर रही थी, वो जो बहू आई थी वो भी कर रही थी। तो वो उससे पूछते कितनी देर, उसने कहा मामा ये तो सत्संग है गुरुजी का, ये कितनी देर तक चलेगा, इसका कुछ नहीं कहा जा सकता, 2 घंटे 4 घंटे, ये गुरुजी की इच्छा पर निर्भर करता है। अभी मंत्र जाप आरती, मंत्र जाप होते आरती स्टार्ट हुई तो किसी आंटी ने जाके एक थाली लंगर प्रसाद की डाल दी, तो वो मुझसे सेवादार पूछते हैं कि किटी अंकल लंगर प्रसाद मैम का भी नहीं होगा जब तक पूरा सत्संग शेयर ना हो जाए, वो थाली वहीं रख दी गई, गुरु जी को भोग लगा दिया गया था। तो इतने में सासू माँ को बड़ा गुस्सा आया, वो बड़ी कि हम तो किसी गुरु महाराज को गुरु को मानते नहीं है, ये कल की नई नवेली आई हुई इसने घर में सत्संग रख लिया है, हमारा सोने का टाइम हो रहा है, हमारी नींद खराब हो रही है। मैंने सुन लिया, मैं उनके पास गया, मैं कहा आंटी जी बड़े भागों वाले लोग होते हैं, बड़े कर्मों वाले होते हैं, बड़ी किस्मत वाले लोग होते हैं जिनके घर गुरु महाराज का सत्संग होता है। मैंने कहा परेशान है आपको, खुशियां मनानी चाहिए। कहते नहीं हम तो सोने का टाइम है, इसने रख दिया, हमारे से पूछे भी ना। मैं कह सत्संग में कितनी कृपा होगी, कितना आपके परिवार का कल्याण होने आने वाला वक्त बताएगा। वो बुड़बुड़ाती गई कमरे में बैठ गई। इतने में ग्राउंड फ्लोर का मकान था, लोहे का दरवाजा था उनका, बंद था। वो नॉक हुआ, आंटी गई खोला तो कोई नहीं था, क्योंकि भावना नहीं थी आंटी की कि मेरे घर आज सत्संग हो रहा है, गुरु जी आए हैं। गुरु हमें कब मिलेगा, जब हमारी भावना होगी। हम गुरु से लंगर से धन दौलत से गुब्बारों की डेकोरेशन फूलों, हम मूंग की दाल और आलू की सब्जी भी बनाएंगे, तो अगर हमारा भाव अच्छा है तो गुरु जी आएंगे। आंटी बुड़बुड़ाती आई कि भिखारियों को रात को भी चैन नहीं है, लोगों के दरवाजे खटखटा से फिरते हैं। मैं सामने आई विटनेस सब सुन रहा था, मेरे से बर्दाश्त नहीं था कि गुरु के बारे में गुरु भी आए घर में और कोई ये बातें करे। वो आंटी आज भी विटनेस है, मैं आंटी को कहती अंकल मेरी गलतियों की माफी गुरु जी करेंगे, मैं को सबको बख्शते हैं, गुरु जी बहुत प्यार करते हैं, अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं, सारों का कष्ट अपने पे ले लेते, आपने उनके वचनों पे भी कि मैं भक्तों के कष्ट अपने पे ले लेता। बात चलती रही, दोबारा नाक हुआ तो आंटी के अंकल गए खोलने के लिए, तो कोई नहीं था, वो भी ऐसे ही गए कि पता नहीं कौन दरवाजा आता खटका के चले जाते हैं। जब थर्ड टाइम नाक हुआ तो मैंने कहा आंटी मुझे सेवा का मौका, मुझे बाहर जाने दो, गुरु महाराज मैं आज भी ये सत्संग में ही। सामने गया सफेद चोले के अंदर गुरु सिर पे जैसे मैंने ऊपर काली लोई नीचे काली जुराबे लेदर की चप्पल, देखते ही मुझे आंखों में वश में कर लिया गुरु महाराज ने, कहने पहचान लिया मनु, मेरी आवाज चली गई, आंखें नम हो गई। मैं ये सारा नजारा गुरु महाराज की कृपा अपने आप देख रहा था। इतने में एक अंकल अंदर से आए, हमारे संगत थे, मेरे साथी थे, उन्होंने जाके अंदर आवाज दे दी कि किटी महाराज को गुरु जी के दर्शन हो गए, किटी अंकल को गुरु महाराज के दर्शन हो गए। मैंने गुरु महाराज को प्रणाम किया, जल प्रसाद दिया, उन्होंने हाथ धोए, जैसे गुरु महाराज अपने समय में संगत के कपड़ों से उन्होंने अपनी लोई से अपने हाथ पोंछ डाले और बैठ गए, कहने तू मुझे पहचान लिया, मेरी आवाज बंद हो गई। गुरु महाराज थोड़े बिना कौन है सादा, जो लंगर प्रसाद की एक थाली डली वो गुरु महाराज के नाम की थी।
वो लंगर प्रसाद की थाली गया लेके, उन्होंने जल हाथ में ली का थाली को ब्लेस किया, मंत्र जाप किया, मंत्र जाप करके जल जमीन पे डाल के मुझे छीटा दिया, कहने जा तेरा कल्याण कर। उस टाइम मेरा परिवार इंडिया में नहीं था, मैं और गुरुजी रहते थे, मेरा लाजपत नगर में मकान है बहुत बड़ा, तो मैं और गुरुजी रहते थे। कभी कभी संगत के कुछ लोग आके मेरे पास रुकते थे, क्योंकि बच्चे मेरे बाहर पढ़ रहे थे, इंडिया से बाहर, आंटी और बच्चे बाहर थे। उन्होंने लंगर प्रसाद किया, एक छोटी सी बुरकी तोड़कर प्रसाद की बाइट मुझे दी, चंदे खा ले, मैंने खा ली। खाने के बाद कहने मैं तेरे कहते लंगर ते ग्रहण कर लिया, कहने तू आंटी दे बोल नहीं सुने, किन्ने कड़वे बोल कि भिखारिया नू रात की भी चैन नहीं, कहने मैं इस परिवार का कल्याण करना आया सी, कल्याण ते मैं कर दवांगा, क्योंकि उन्हां दी जड़ी गारी चाई नहीं ने मिली दुल्हन ने, वो तो मेरी भगत है। मैं खड़ा रहा, आवाज मेरी बंद हो गई, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं नमो शिवाय का जाकर पीछे पीछे ठंड के अंदर, वहां पर सारे कंकर पड़े हुए थे, वहां फैज रोड से चले जहां सारे गेस्ट हाउसेस हैं, और वो बाहर हनुमान जी की मूर्ति तक गए, जाते हुए कहने लगे, कहने तनु में एक बच्चा दीता सी कैंसर पेशेंट, कहने ओदा मैं कल्याण कर देता है। मैंने कहा गुरु जी उसको तो मार्च की डेट मिली है, कहते मैं पता उन्होंने मार्च की टेस्टों की डेट मिली है, तो मैंने जब वो डॉक्टर से पूछा था, मेरे बच्चे भी मेडिकल साइंस सारे मेडिकल लाइन में हैं, डॉक्टर हैं, तो उस टाइम बच्चे मेरे मेडिकल एजुकेशन में थे, तो मैंने बच्चों से पूछा कि दिसंबर है मार्च की डेट्स क्यों मिली है ये हाथ का टेस्ट, कहते हैं कि पापा गवर्नमेंट अपना खर्चा बचाती है, वो ऐसी लंबी डेट देती है, उनको पता है कैंसर पेशेंट आधे मार्च से पहले ही निबट जाएंगे, उनके टेस्ट बच जाएंगे। मैं इनका कोई बात, मैं रात को बड़ी मुश्किल से ड्राइव करके गाड़ी अपनी घर आया, एक अंकल मेरे साथ थे उनको मैंने रास्ते में ड्रॉप किया, मैं डिप्रेशन में चला गया, क्या रब ने मुझे दर्शन दिया इससे बड़ा मेरा कोई ना। मेरी दो दिन तक आवाज बंद हो गई, वो अंकल मुझे फोन करें कि क्या हाल है, मैं कहा ठीक हूँ, कहते क्या हुआ, मैं कहा गुरु जी के दर्शन। गुरु जी जाते आते जागे कि उधर जाके सारे टेस्ट करा ला, मैं उन्होंने कैंसर ठीक कर देता है, और आज गुरु महाराज की कृपा 2021 खत्म होने जा रहा है, वो बच्चा गुरु जी की कृपा से बिल्कुल स्वस्थ है, उसकी शादी हो गई है। जिस टाइम वो बच्चा बीमार था तो मैंने आपको बताया कि परिवार वाले कहते थे किसकी शादी हो जाए, तो मैंने मणि संगत मंदिर में है, अनमैरिड भी है, मैरिड भी है, डाइवोर्सी भी भरी हुई है, तो मैं बात करता था कि कोई मिल जाए, तो सबने मना कर दिया। जब गुरु महाराज ने उस बच्चे को ठीक किया तो मंदिर की संगत एयर होस्टेस ने उससे विवाह किया, आज वो बच्चे पे गुरु महाराज की कृपा है, उसका एक पैर इंडिया में होता है एक बाहर होता है, उसने भी ऐसे ही अपनी वाइफ के साथ एयरलाइंस की कोई जॉब पकड़ ली है, वो बीटेक एमबीए है, और आज उस परिवार में खुशियां खुशियां। कहते हैं ना तीन लोक नोखंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करे ना कर सके गुरु करे सो, तो गुरु महाराज का हमें हर समय करना क्या, हम ये नहीं जानते, हर वेले शुक्राना सिमरन, और सबसे पहले गुरु के दरबार में पहुंचे सरेंडर करना है। कहना नहीं लाड़ गुरु का फल है ये सारे सुख मिल जाएंगे, मैंने गुरु महाराज की गाइडलाइंस की जो एक बुक थी उसको गुरु जी ने मेरे को दिया था, वो आज भी मेरे पास विराजमान है, मैं आगे फोटो कॉपीज करा लेता हूँ उसकी, उन वचनों को मैंने
अपने जीवन में धारा, तो मैंने सोचा भी नहीं था कभी ख्वाबों में भी मैं किसी गुरु के साथ जुड़ूंगा, सत्संग की सेवा मिलेगी, और सबसे बड़ी बात है कि मैं बिना किसी खर्चे पानी के, कोई पेट्रोल खर्चा, ट्रैवलिंग का, चाहे मैं इंडिया में करूं, अब्रॉड करूं, चाहे मैं पंजाब करूं, हिमाचल करूं, मैं असम में, गुवाहाटी में, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने खर्चे पे आता हूं, सिर्फ रात रहने की जगह मांगता हूं। मुझे अब कभी भी कॉन्टेक्ट करें, 365 दिन मेरी हाजिरी है। एक छोटा सा सत्संग करूंगा, उसके बाद में एक अपना और सत्संग, फिर आपसे आज्ञा चाहूंगा। अभी लास्ट ईयर मैं 22 मार्च को ऑस्ट्रेलिया अपने बच्चों के पास गया था। वहां हम जब जाते हैं तो मेरा कोई घूमने का विचार नहीं होता, मैं संगत के बीच में इन्वॉल्व रहता हूँ, रोज एक दो सत्संगों में जाना आना, हाजिरी लगाना। तो जब मैं 2016 में गया था तो एक सत्संग होता था ऑस्ट्रेलिया में, मेलबोर्न के अंदर, दो हुए, चार हुए, आज गुरु महाराज की कृपा कितने सत्संग हो रहे हैं। तो जब मैं आया तो यहाँ पर कोरोना की वेव शुरू हो गई, मैं 22 को आया, 25 से लॉकडाउन हो गया। मैं आंटी बड़े प्रॉब्लम में कि हम क्या करेंगे, तो मुझे संगत में से बड़े मंदिर से किसी का फोन ना आया, अंकल कि अंकल आप हमारी कोई संगत है जिसके पास राशन प्रसाद वगैरह की दिक्कत है, मार्केट बंद थे, बाजार बंद थे। मैं इधर उधर जाके जो लोग ये राशन सप्लाई का काम करते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उनको मिला, उनसे मैंने जैसे तैसे कुछ राशन वाशन परचेस किया और मैंने ला के अपने क्रोन प्रोलिक रूम में भर दिया। तो मुझे लोगों के फोन आते थे कि अंकल ऐसे संगत में है और ऐसे ऐसे है, तो मैं कहता था आ जाओ। तो उधर से एक ही आवाज आती थी कि अंकल हमारे पास इतने आने के पैसे होते, बसेस बंद हैं, मेट्रो बंद है, हम कैसे आए। तो मैं ये भी सोचता था। फिर आंटी और मेरी इच्छा होती थी कि हम उनको घर तक पहुंचाए, तो हमने जहां तक हमारे से बंद पड़ा करते वो हैं, मेरे गुरु महाराज का हुक्म, हम नहीं कुछ कर रहे, कर वो रहे हैं, वो एक लौकिक शक्ति है जो ये चला रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, ये सत्संग नहीं, मैं तो उनका मैसेज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ कि हमें करना क्या और जीना कैसे। हम लोग पहुंचाते थे राशन जैसे तैसे, फर्स्ट वेव गई, सेकेंड आ गई, लास्ट ईयर दिसंबर तक ये सेवा हमें गुरुजी ने दी। मैं और आंटी नॉर्मल थे, संगत से मैसेज कि अंकल हम लोग हो गया और हमारे घर में बच्चे हैं, तो गुरु महाराज का हुक्म आया तो मैं पंजाब में सब प्रसाद बना सकूं, सेवा कर सकूं जितनी हो सके, तो गुरु महाराज ने करवाई। वो सेवा के दौरान मैं और आंटी भी, मेरी वाइफ पॉजिटिव हो गए लास्ट ईयर, और 1.5 महीने के लिए हम कोरोना ग्रस्त हो गए, जिससे पूछे डॉक्टर से वो क्या आप चल फिर नहीं सकते, आप में वीकनेस हो जाएगी, मगर मुझे नहीं पता वो कौन सी लोक शक्ति थी। गुरु महाराज के हुक्म के अनुसार हम लोग दोनों होलसेल मार्केट से राशन, मंडी से सब्जी लाते थे। हमारी कंप्लेंट भी हो गई दिल्ली पुलिस में, ये लोग पॉजिटिव होकर ऐसे ऐसे गाड़ी में घूम रहे हैं, लोगों के पास राशन लेके जा रहे हैं, लंगर लेके जा रहे हैं, ये सिलसिला चलता रहा। उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया। कोरोना से ठीक होने के बाद जैसे मैं रेगुलर सत्संग में जा रहा था, तो एक दिन मेरे बच्चे, मेरी आंटी, बेटा और बहू भी, तो उसने मुझे देखा, कहते पापा आप तो गाड़ी चलाते हैं मगर आप तो गाड़ी चलानी नहीं आ रही। मैं कहा क्यों, मैं कहा इतने साल हो गए गाड़ी चलाने, तो कहते नहीं, कहते अपनी अपनी आईसेट चेक करो। तो मैं अक्टूबर के महीने में अपनी आईसेट चेक कराने के लिए गया, गुरु महाराज की कृपा से मेरे पास
बच्चों की पोस्ट की वजह से लाइफ टाइम मेडिकल कार्ड है पूरे इंडिया का, अब्रॉड का भी। तो मैं गया मैक्स हॉस्पिटल साकेत, वहां जाके डॉक्टर से बात की, दिखाया, उन्होंने टेस्ट किए, सुबह से दोपहर हो गई। तो कहते हैं अंकल आपको इससे पहले क्या हुआ था? मैंने कहा पहले मुझे कोरोना हुआ, उसके बाद मुझे वायरल फीवर। तो कहते हैं आपके आंखों के ना लेंस क्रैक हो गए दोनों। मैंने कहा जी मैं गाड़ी चलाता हूँ। कहते हैं अब रात को भी? मैं कहूँ, कहते हैं मतलब ही नहीं, आप गाड़ी चला ही नहीं सकते। मैं तो रोज सत्संग में जाता हूँ। मैं कहा हाँ थोड़ा सा मेरे बच्चे को कुछ लगा है तो उसने मुझे बताया है। मैं अक्टूबर में चला गया मिडल में, उसके बाद में सेंटर फॉर साइट है सदरंग के, वहां चला गया, वहां दिखाया, उनका भी सेम जवाब। थर्ड में स्कॉट्स में गया ओखला में, वहां भी सेम जवाब। उसके बाद एक चौधरी आई सेंटर है लाजपतनगर में, वहां गया, उनका भी सेम जवाब कि अंकल आपकी सर्जरी करनी पड़ेगी। मैंने कहा ऐसा क्या है कि जो ठीक नहीं? मैंने कहा ये वो कोई मोतियाबिंद वगैरह? कहते नहीं अंकल लेंस क्रैक हो गया। लास्ट पे मैंने गोगी आई सेंटर है लाजपतनगर 5 में विक्रम होटल के पास, वहां दिखाया तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि लेंस क्रैक और सर्जरी इमीडिएटली रिक्वायर्ड है। उसके बाद भी गुरु मार्ग की कृपा से मैं ड्राइव करता रहा, चलता रहा। आज से 15 दिन पहले मेरी राइट आई की सर्जरी हुई है, लेंस चेंज किया गया है। जिस डॉक्टर के बड़े सीनियर डॉक्टर हैं एमएक्स के रंजीत वर्मा, उन्होंने कहा कि अंकल आप पे गुरु की मेहर है कि मैं जिस लिबास में बैठा हूँ ये मेरा लिबास है, सारे दिन का सिर्फ रात के टाइम ये रेस्ट होता है, ये मैं अपना फटका और माला उतारता हूँ। कहता है आप पे गुरु की कृपा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड था आपका ऑपरेशन और कहता है इतना सक्सेसफुली हो गया कि मैं बताने हैं। तो मैं गुरु जी का शुक्राना करता हूँ। मैं अभी रेस्ट पे हूँ मगर मैं सत्संग में डेली जाता हूँ। हाँ अभी ड्राइविंग मुझे मना है, कभी बच्चे ले जाते हैं, कभी संगत के लोग, कभी जिनके यहाँ सत्संग होते हैं वहां से कोई ना कोई। तो सत्संग में आज दोपहर को भी मुझे जब सुरेश वासन अंकल का फोन आया तो कहते हैं मैंने कहा अंकल मैं सत्संग में हूँ, मैं आके आपसे बात करूंगा। तो मैं गुरु की कृपा आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मैं गुरु महाराज के चरणों में जुड़ा हूं मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और इसीलिए मैं हर वेले सिमरन एडवांस में वो सब कुछ दिखा देते हैं मुझे। मेरा उठना है सवेरे खास भी लगाना जो मेरा टाइम है 3:30, सिर्फ शांति से सत्संग करके नहीं, छोर से गुरु जी ने अमृत वेले के सत्संग मना किए हुए, स्टार्टिंग मेरे से करवाई थी 2015 में, मगर उसके बाद गुरु जी ने मुझे बताया कि मेरे लिए नहीं। तो मैंने उसके बाद कुछ गलतियां भी परेशानियां भी मेरी लाइफ में आई, तो मेरे को गुरु जी का एक सबक था, मैसेज था कि अमृत वेले के सत्संग, और मैंने गुरु जी से क्षमा मांगी। गुरु बड़े प्यार करते हैं और गुरु जी ने कहा है कि चलने मेरे नियमों के अनुसार ही आपको। गुरु जी ने एक दिन कहा था कि तेरे पागा ही टूटी हुई साइकिल भी नहीं है, आज मैं क्या आपको बताऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं है शुक्राने। मैं 24 घंटे इस परिवार में हमारे 16 बच्चे इंजीनियर टीचर और आशीर्वाद से लोग की कहते हैं मुक्ति दो मुक्ति दो। मैं कहना गुरु जी अन्ना मनु देता, इतना मेरे पे आपने कृपा की है कि मुझे 7 जन्म आपके श्री चरणों में चाहिए कि जो उपकार प्यार आपके लोगों ने संगत ने मुझे दिया है वो अपना मैं कर्जा उतार सकूं। गुरु जी का लख लख शुक्राना। आप सबको भी सत्संग की भी बधाई और एक सत्संग और उसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा। गुरु जी ने महासमाधि लेने से पहले जब मैंने गुरु जी को ज्वाइन किया था 90 में, मेरा ज्यादा आना जाना नहीं था।
गुरु जी के पास कभी कभी जाना। जिस अंकल ने मुझे जोड़ा, जिन हालातों में जोड़ा, तो मैं गुरु जी के पास जुड़ने नहीं गया था। मैं उस आश्रम की रोड पे, क्योंकि मेरा जो बिजनेस पॉइंट था वो ग्रीन पार्क मार्केट था, यूसुफ सराय, तो मैं वहां से भाटी माइंस की रोड पे गया था कि कोई कार ट्रक बस मिले, मैं एक्सीडेंट मार के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं। मैं इतना परेशान था, मगर मुझे नहीं पता गुरु जी के आश्रम की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहां जाके ऐसी ब्रेक लगी। मैं गुरु जी को मिला और मिलने के बाद जब माथा टिका तो उन्होंने मुझे एक ही बात कही कि अपना काम कर। मैंने कहा गुरु कोई मेरी समस्या का हल बताते, मेरी परेशानियों का कोई हल बताते तो मुझे खुशी होती। मैं आ गया, बड़ा मायूस था, हर वेले अपने आप को कोसना, फैमिली मेंबर्स को कोसना कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सबसे पहले उन्होंने दुनिया मेरी बदली की, मेरी वाइफ को गवर्नमेंट जॉब दे दी। वो बहुत बड़ा सत्संग है, बहुत लंबा हो जाएगा, मैं फिर वो लाइव सत्संग में मैं शेयर करूंगा। मेरे हालात ठीक हुए, दिन का लंगर हम कहीं से मांग के खाते थे, रात को कहीं से इंतजार करते थे। तो कभी कभी सत्संग में जाना बिजनेस छोड़ के, तो उन्होंने एक ही कहा था अपना काम। मैंने कहा ठीक। जब 2007 में मैं अंकल के साथ गया तो मेरी आंटी भी बड़े एस्ट्रोलॉजर के चक्कर में रहती थी, आज उसके पास कल उस पंडित के पास, तो यही कहती थी इनका बिजनेस कब ठीक होगा। तो एक पंडित जी ने बताया, जब वो मेरे घर के पास मंदिर है, वो हमारी ग्रैंड मदर को बनाया हुआ है, कि तू तो उसके बिजनेस की बात करती है, उसका तो जीवन ही नहीं है, उसका तो एंड आ गया लाइफ। तो कहते हैं ना, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे करिए अरदास, किसके आगे अरदास नहीं करी। वो गुरु जी कई जन्मों की जानते थे, कई जन्मों की, महाशिव। उन्होंने देखते ही उस अंकल को कहा, मुझे नहीं कहा, कहने आदा ते एंड आ गया। तो उन अंकल ने कहा कोई उपाय, कहने कोई नहीं, इन्हू मैं सेवा ही जोड़ ले। मैंने कहा ना, उतराइयां चढ़ाइयां हर जीव ते आंदियां ने, अगर कृपा होए तेरी ते हंसके लग जाती है। गुरु जी ने उनको बता दिया कि इसका एक्सीडेंट है, मगर मैंने इसको सेवा में ले लिया है, इसकी डेथ लिखी है और इसको मैंने अपनी उम्र से ब्लेस कर दिया और उम्र भी दे दी है। वो अंकल ने मेरे साथ जाना, उन्होंने कहना अंकल बड़े ध्यान से गाड़ी चलाया करो। मैंने कहा अंकल मैं बड़े ध्यान से चलता हूँ। उनको सब कुछ पता था। फिर उन्होंने कहना हमने रोज सुबह सत्संग पे जाना, दोपहर को जाना, जब जब टाइम मिलना। गुरु जी ने 31 मई 2007 को समाधि ली। मई, जून और जुलाई और अगस्त, तीन महीने, साढ़े तीन महीने बाद 24 अगस्त 2007 मेरा दिल्ली में ईस्ट ऑफ कैलाश नियर बाय लाजपत नगर मेरा मेजर एक्सीडेंट हो गया। मेरे ऊपर से बड़ी वाली BMW गाड़ी निकल गई। मैं स्कूटर ड्राइव कर रहा था उस टाइम, किसी काम से गया था, और गाड़ी के नीचे मैं क्रश हो गया, मेरी राइट लेग पूरी खत्म हो गई। मेरे को लोगों ने उठाया, पानी डाला, छींटे मारे, होश में आया मैं, और मुझे उन्होंने उठाया बिठाया, मेरे परिवार को इन्फॉर्म किया। आंटी को पता था, परिवार के बाकी सदस्यों के किसका टाइम ऐसा है एक्सीडेंट में और डेथ, ये सब परेशान हो गए एक्सीडेंट का नाम सुनते ही। मुझे वहां से गाड़ी में डाल के मेरे घर पे लाए, अंदर नहीं ले गए, बाहर मेरी आंटी आ गई, वो स्कूल से आई के बैठी थी अभी, और मुझे जो सफदरजंग हॉस्पिटल के साथ ट्रॉमा सेंटर है मेडिकल का, वहां ले, वहां मेरे होने वाले दमा ट्रॉमा सेंटर के इंचार्ज से
एडमिट किया, वो ऑपरेशन थिएटर में थे, वो ऑर्थोपेडिक सर्जन है, तो उनको बताया तो उन्होंने कहा मैं ऑपरेशन के बाद मिलूंगा। वाय मिले, देखे तो मल्टीपल फ्रैक्चर, उंगलियां पैर की सारी टूट गई, एंकल टूट गए, मेन जो नी से एंकल तक बोन है वो भी डैमेज हो गई। उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया। रोज मेरा ना मुझे कोई बीपी की प्रॉब्लम थी ना शुगर की, उन्होंने स्टेरॉइड इंजेक्शन दिए, मेरे पेन किलर दिए, तो उससे मेरा बीपी और शुगर डेवलप हो गया। उन लोगों को बीपी शुगर कंट्रोल करने में बड़ी दिक्कत आ गई, पार्टी ने मेरे से कहा ऑपरेशन नहीं हो सकता। इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता, क्या मैं ऐसे ही रहूंगा? मैं बेड पे पकड़ा हुआ सारा दिन कराता था दर्द से, 7 दिन तक मुझे कोई है, मेरे कहा ना गुरुजी का नंबर 7, 7वें दिन मुझे मैक्स हॉस्पिटल साकेत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ट्रांसफर किया। उन्होंने मुझे कुछ पेन किलर इंजेक्शन दिए, कुछ और मेडिसिन प्रिस्क्राइब की, मैंने ली, अगले ही दिन मेरी सर्जरी हो गई 3.5 घंटे की। रात को मैं 12-1 बजे होश में आया, बड़ी पेन थी मेरी, मैंने गुरु महाराज को शुक्राना किया, याद किया। मैं 22 दिन हॉस्पिटल रहा, मेरी टांगों पर हवा में बांध दी गई पंखे के साथ, नीचे पिल्लो रख दिए गए, मैं टांग लटका के घर पे। तो उस समय में जब मैं गुरुजी की गया था तो गुरुजी ने जो जलवाई थी मेरे से, जिसको कि 28 साल के बाद गुरुजी ने भी शांत करवाया, क्योंकि जब हम बाहर सत्संग में चले आते तो वो ज्योत के आगे गुरुजी का शुक्राना किया। मैं बैठ के सारा दिन याद करता था। 6.5 महीने के बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया और मुझे नया जीवन मिला। गुरुजी ने कांटी को लाइव दर्शन दिए साईं बाबा के रूप में ही, कहते देखे आंटी गुरुआं दा कमाल, किट्टी अंकल की डेथ लिखी हुई सी, मैं उन मुद्दे मुंह काट के अपने जीवन इच्छो जीवन दिता है और उन्होंने ब्लेस किया, और साथ ही कह दिया कि अभी उसकी जर्नी खत्म नहीं हुई, उदे कर्म अजे कट्टे नहीं है। मैं आंटी का नाम ले सकता हूँ, मैं अंकल का भी, मगर मुझे हुक्म नहीं है गुरु जी की तरफ से कि मैं सत्संग में किसी का नाम शेयर करूं। फिर अगेन गुरु जी का 7 नंबर, 2007 में एक्सीडेंट हुआ, मैं उठ गया, 8 हो गया, 2008 आ गया, मैं सत्संग में जाना शुरू किया। 1, 2, 3 भी चले जाता था सेवा के माध्यम से। फिर उन्होंने कहा कि मैं फिर ब्लेस करांगा, यदा ये जर्नी खत्म नहीं हुई, कष्ट अभी बाकी है, रात अभी बाकी है और इसके कष्ट भी अभी बाकी है। कहते जीवन तो दे दिया मैंने, बड़ा लंबा जीवन है और मैं हर वेले शुक्राना करता हूँ उनका। 2014 में मेरी बड़े मंदिर सेवा होती थी, तो एज फैक्टर नहीं लग रही। तो उस दिन 25 दिसंबर 2014 को मेरे एनुअल सत्संग गुड़गांव में सेवा थी, थर्सडे का दिन था, तो मैं सत्संग से शाम को अपनी सेवा पे अकॉर्डिंग टू अपने टाइम 6 बजे से पहले बड़े मंदिर पहुंच गया। पहुंच गया तो मुझे वो अंकल का फोन आया, अंकल किस तरह रहा सत्संग? मैं कह गुरु जी का सत्संग है ना, ये आपका है ना मेरा है, ये सत्संग है गुरु महाराज का, और गुरु जी का सत्संग क्या हुआ वो आप समझ सकते हो। कहते शुक्राना, मैं कह बहुत ज्यादा शुक्राना, उनके थे, मैं कह बड़े मंदिर सेवा में। कहने पता है ना कल बड़े सत्संग में असी 3 जगह जाना है। मैं अंकल पता है मुझे, मैं 6 से लेके सेवा में था,
8 बजे के बाद लंगर प्रसाद शुरुआत में 2 बजे फ्री हुआ अपने मंदिर से। लंगर प्रसाद में मेरी सेवा होती थी थर्सडे के दिन। तो जैसे ही मैं सेवा से फ्री हुआ तो आने लगा, अंकल का फोन आया कि अंकल का अंकल बड़े चाना लाइए हो। मैंने कहा अंकल ऐसी कौन सी बात होगी? कहने बस बड़े चाना लाइए। मैं रात को 2 बजे, आंटी अगेन इंडिया में नहीं थी, बच्चे नहीं थे, मैं और गुरुजी, आज भी गुरुजी का दरबार है घर पे। मैं आया, सो गया, सुबह एज यूजल सुबह उठ के उनका याद किया, फिर 6 बजे नींद आ गई, सो गया। 8 बजे उठा मैं और मैं 8:30 बजे सत्संग के लिए निकल गया। 10 से 12 का पहला सत्संग था मोती नगर में एक आंटी के। अंकल ने कहा मैं एक दूसरी जगह जा रहा हूँ, आप वहां जाओ क्योंकि 3 जगह जाना है हमें। तो मैंने कहा ठीक है, मैं वहां से चला गया। 10 से 12 का सत्संग था, दिन था 26 दिसंबर 2014। मैंने कहा 7 और 7 14, फिर एक बार मैं शिरडी जब क्योंकि गया था तो वहां मुझे लाई बाबा ने जब दर्शन दिए गुरु जी के रूप में, तो उन्होंने कहा था कि ये मेरा ही रूप है, मेरा ही स्वरूप है, गुरु जी बाबा का ही रूप है। उन्होंने कहा था मेरे से ये 43 स्टेप ऊपर है गुरु महाराज, साई बाबा ने लाइव दर्शन दिए अमृत वेले वहां जो आरती होती है। तो कहने नहीं 43, तो 43 मीन्स 4 और 3 प्लस 3 7, 14 में मेरा अगेन वही 1:30 पे दोपहर को 1:30 पे मैं वापस आ रहा था दूसरे सत्संग पे जाने के लिए अंकल को पिक करने, दिल्ली में इंडिया गेट लॉन के ऊपर 120 फुट रोड छोड़ दिया मेरा, वहां पर एक मेजर एक्सीडेंट हो गया। मेरे सामने 4 आंटियां, 2 बच्चे, 1 अंकल बाहर से घूमने आए थे, 4th क्लास लोग थे, पहनावे से पता लग रहा था। उन्होंने भाग के सड़क जंप कर दी जब मैं रोड क्रॉस गाड़ी से निकल रहा था। मैंने ब्रेक लगाई, गाड़ी घूम गई, वो अंकल गाड़ी से टच नहीं किए, वो हड़बड़ाहट में नर्वसनेस में पटरी पे गिरे और उनकी हेड इंजरी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई 42 ईयर्स की। आंटी मेरी नहीं थी यहाँ पर इंडिया में, मेरे परिवार के लोग ब्रदर वगैरह मेरी संगत के। अंकल का फोन आया, जब मैंने अंकल फोन किया अंकल मेरा एक्सीडेंट हो गया, कहता तनु कल क्या सी ना, मैं कहता तू ठीक है? मैं कहा ठीक है अंकल, मेरी चेस्ट में लगी है, मैं वहीं लेट, जब तक पुलिस की कंट्रोल रूम की जीप अंकल की डेथ हो गई, तेरे को भी अरेस्ट कर लेंगे, पुलिस केस रजिस्टर्ड हो गया और तेरे को सीधा कम से कम 2 साल की सजा तो है ही ना इस पे, और यहाँ से अब तेरे को वापस नहीं जाने देंगे, यहाँ से ले जाएंगे, गाड़ी पूरी 100% डैमेज हो गई, तो कहते यहाँ से ले जाएंगे तेरे को। मैंने कहा ठीक है, जो मेरे नसीब में है। मैंने उनको कहा मेरे गुरु ने मेरा ऐसा नहीं लिखा, उन्होंने मुझे 2 बार मौत के मुंह से निकाला है। गुरु जी ने कहा था ना मैं तनु समुद्रों कड़िया, समुद्रों समुद्र नहीं सी में से। मैंने उनको ये की आवाज दी कि अगर आज मुझे अरेस्ट करके अंदर डाल देंगे तो कल से मैं गुरु जी को मारना छोड़ दूंगा, पर मेरे अंदर बस चुके हैं, मेरे अंदर बसते हैं, मैं रात को देखता हूँ, उठता हूँ उनका गुणगान कर तो मुझे नजर आते बातें करते हैं। मुझे जी तिलक मार्ग पुलिस स्टेशन ले गए, केस रजिस्टर्ड हो गया IPS 304A में और 279 कंपनसेशन के लिए,
गाड़ी मेरी न्यू ब्रांड थी, कुछ दिन पुरानी वैगनर, कंपनी इंश्योरेंस थी 5,75,000 रुपए की, मेरी LIC में 50,00,000 में थर्ड पार्टी एक्सीडेंटल कवर था। ले गए वहां पर, लोग पुलिस स्टेशन में कहने लगे, पूछने लगे कैसे हुआ, सारी हिस्ट्री लिखने लगे, आपको कोई आई साइड की प्रॉब्लम, कोई बवास की, मैंने कहा कुछ नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा इसका कहते हैं ये कौन से गुरु जी है, कोई दिल्ली पुलिस तब तक गुरु जी को नहीं जानती थी, ना ट्रैफिक वाले ना दिल्ली पुलिस वाले। वो कहते हैं गुरु जी जोड़ दे सी, तो उन्होंने कैसे जोड़ा, ये मेरे एक्सीडेंट के था। ले गए मैं वहां जाके सत्संग करने लगा उनके साथ की गुरु जी ने ऐसे, तो कहते इनकी मौत फिर क्यों हो गई, मैं कहा गुरु जी ने इनका कल्याण किया। कहते अंकल 42 ईयर्स के दो अंकल की डेथ हो गई, आप अंकल कह रहे हो, और कहते आप कह रहे गुरु जी ने कल्याण किया, मैं कह बात को आज नहीं, आप कुछ दिन के बाद सारे पुलिस स्टेशन वाले भी बोलेंगे। वहां पर बड़ा हो हल्ला आ गया, वो लोग बाहर से घूमने आए थे, लेबर क्लास इकट्ठी हो गई, पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ हो गई, उन्होंने PCR को उसको BSF वालों को बुलाया, उनको कंट्रोल किया, सबकी एक ही डिमांड थी कि अंकल को उठा के अंदर डालो। मेरा नाम फेसबुक कुलबीर वसीम, और वैसे मुझे गुरु जी का देव नामे के टीम शोर शराबा हो गया, सब संगत के फोन है अंकल, मैं क्या कुछ नहीं हुआ, गुरु जी ने उसका कल्याण कर दिया। मैंने उनको समझाया कि अगर ये कोई और आदमी इनको ट्रक वाला बस वाला मार के भाग जाता, मैं तो रुक गया क्योंकि गाड़ी मेरी टूट गई, डैमेज हो गई, अगर बच भी जाती तो तब भी मैं रुकता इंसानियत के नाते। तो मैं कहा आपको कुछ भी नहीं होना था, आपका ये केस भी रजिस्टर नहीं होना था। तो मैं दोपहर को 4:30 से लेके रात 10:30-11 तक मैं पुलिस स्टेशन के अंदर था, और मैं सत्संग शेयर कर रहा था। दिन में मैंने कुछ भी नहीं खाया था लंगर प्रसाद के अलावा, 2 चपाती के अलावा। उन्होंने मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद, समोसा, कभी ब्रेड पकौड़ा मंगा के दे रहे थे, क्योंकि मैं प्रसाद था गुरु जी का, और मैं जो माला पहनता हूँ इसी से मैं ब्लेस करवा रहा था गुरु जी से आगे रख के। वो एक आवाज आई कि अंकल आप 2,00,000 रुपया अभी दे देंगे यहाँ पर तो हम आपको बरी कर छोड़ देंगे, इनको कुछ दे देंगे। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मेरे गुरु महाराज के यहाँ लेने देने का कोई रिवाज ही नहीं है। मैं कहा आप अपनी कार्रवाई करो, मेरा रब मेरे गुरु महाराज अपनी करेंगे, अगर मेरे को रेस्ट करवाना है तो रेस्ट हो जाऊंगा मैं। कोई 10:30 बड़ी से टाइम देख रहा था, ACP DCP आए, शोर शराब होने के बाद उन्होंने मेरे से जब बात की तो मैंने उनसे गुरु जी का सत्संग ही शेयर किया, इनका गुरु जी ने कल्याण किया। कहते हैं अंकल आपका बहुत भरोसा है, मैं कहता हूँ इन रास्तों से गुजरा हूँ, ऊपर में निकाले हैं, और आज मैं सबसे सुखी। वो सत्संग सुनते रहे, परिवार के लोग बाहर खड़े थे किसको अरेस्ट करेंगे, मैंने गुरु जी का गोल्ड का लॉकेट चैन में पहन रखा था, ब्रेसलेट मैंने उतार के दे दिया, ले जाओ। 11:30 सत्संग से निवृत्त होने के बाद वो लोग मुझे ACP DCP ने बैक डोर से वापस भेज दिया कि आप घर जाइए। हाथ मेरे काम पर थे क्योंकि नर्वस हो गया था, एक्सीडेंट हुआ था और मेरे सामने सब कुछ हुआ। सुबह पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई कि जिस अंकल की डेथ हुई है वो 42 इयर्स के हैं, और उनकी हेड इंजरी हुई है, वो लगने से हुई है, गाड़ी से वो टच नहीं की। सबसे बड़ी ब्लेस पहली ये थी। रात में पूरी रात अपसेट रहा, मैंने कहा मेरा परिवार नहीं था, गुरु जी को याद करवाना थे, अगर मेरा कसूर है तो मुझे सजा भी मिलनी चाहिए, अगर हम कल करते तो हमें गुरु को सजा देने का भी। मैंने सत्संग अपनी से लेके कराए थे, मुझे चिकन गुंडे और टाइफाइड से मैं डाल दिया था गुरु जी ने, तो वो मेरे कर्मों की सजा थी। रब प्यार करता तो रब को, जो बाप प्यार करता था उसको बच्चे को डांटने का भी। मैं अपसेट रहा, सो नहीं पाया।
एक केस रजिस्टर्ड हुआ तिलक मार्ग में, दूसरा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में बिरला मंदिर के पास। सुबह 9:30 बजे पुलिस की जीप, पूरी जीप में 8-10 लोग मेरे पास आ गए। और वो मुझे आके कहते हैं कि आपको हमें अरेस्ट करना है, आप कल से छुपते फिर रहे हैं। मैं कहा मैं तो नहीं, मैं तो रात को आपके सीनियर्स के कहने के बावजूद मैं घर आया हूं। तो कहते आपको लेके जाएंगे अभी। मेरे आस पड़ोस के लोग, मेरे मोहल्ले के लोग इकट्ठे होकर जहां मैं रहता हूँ, उन्होंने मेरे ब्रदर्स सब रैंक पे में रहते हैं, दूसरे सबको बुला लिया। मेरी सिस्टर आ गई गुड़गावा से। मैं गुरु जी का जैसे दरबार बने वहां बैठ के गुरु जी के आगे अरदास कर रहा था। मैंने अपनी भाई को बुलाया, उनके लिए चाय प्रसाद जल प्रसाद मंगवाया, साथ में बिस्कुट नमकीन वगैरह रखा। मैंने कहा आप मुझे ले जरूर जाना, पहले मेरे गुरु का सत्संग और रुकम सुन लो कि एक्सीडेंट क्यों हुआ। मैं कहा गुरु जी ने कल्याण किया। कहते हैं कैसे? मैं कह ये लोग बिहार से आए हुए हैं, रांची से, ये हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं, नदी में कूद जाते हैं, ट्रेन के नीचे सिर दे देते हैं, मर जाते हैं। जो आदमी जीवन में आया उसकी मृत्यु लिखी हुई है, इसकी मृत्यु या गुरु जी की संगत के आगे, जिसके पास सब कुछ संपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, पेपर्स है, लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, उनको मैंने ये सत्संग शेयर किया। वो सुन के हैरान हो गए। 3.5 घंटे वो जीप मेरे घर के नीचे खड़ी रही। वो लोगों ने गुरु जी का नाम सुना था, उन्होंने मेरे सत्संग सुने, गुरु जी के बड़े बड़े स्वरूप देखे, माथा टेका और चले गए कि अंकल हम जा रहे हैं। मेरे परिवार के लोग हैरान थे। मैंने उनसे एक बार कहा कि अगर आप मुझे ले जाते हैं तो ले जाइए, मैं बेल। कहते हैं अभी कोर्ट बंद है, समिट ऑर्डर चल रही थी। तो कहते नहीं हम जा रहे हैं। वो चले गए, मैं आराम से बैठ गया। नर्वसनेस थी सत्संग पे, तो मैं जा ही नहीं पाया उससे। ये दिन था 26 दिसंबर 2014। शाम को मुझे 3:30 बजे मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन से फोन आता है कि अंकल आप कल से इधर उधर छुप रहे हैं, हम आपको अरेस्ट करें। मैंने कहा आपके पास वो ताकत ही नहीं है कि आप मेरे एक गुरु के शिष्य को अरेस्ट कर सके। मैं क्या फिर? कहते नहीं हम आप आपको अरेस्ट करने आ रहे हैं, हम लेके जाएंगे। मैं क्या आप आ जाओ। जब मैंने कहा आ जाओ तो कहते आप आ जाओ। तो मैं कहा ये तो मजाक वाली बात हो गई। कहते नहीं आपको आना पड़ेगा, नहीं तो हम आपके ये सेक्शन लेंगे। मैं कहा ठीक है। मेरे परिवार के लोगों से मैंने बात की, वो कहते आप अंडरग्राउंड हो जाओ, चले जाओ कहीं। कहते कोर्ट बंद है, दिसंबर है, ठंड के दिन है, आपको तिहाड़ जेल डाल देंगे और आपको 2 साल तक कम से कम बेल लियो। मेरी जिद थी क्योंकि मैं जानता हूं आपके रब के बारे में, अपने गुरु के बारे में, उन्होंने क्या क्या कृपा की है। मैंने कहा तो मैं जरूर जाऊंगा मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन, मैं देखता हूँ कौन सी हथकड़ी है जो किटी अंकल को अरेस्ट करती है। मैं जिद में आ गया और मैं वहां से ऑटो पकड़ा, मैं मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन गया। वहां गया जो आईओ इंस्पेक्टर से सुधीर कुमार, SHO, हवालदार, पूरा स्टाफ गेट पे आ गया उतरते ही। अंकल आपको अरेस्ट करना है। मैंने कहा कर लो। मैं कहा आप ये अरेस्ट नहीं कर सकते। मैं कहा मेरे गुरु का हाथ है मेरे सिर पे, कि आप मेरा एक बाल नहीं बिगाड़ सकते। और मैं कहा भी मैं आपके सामने यहां से जाऊंगा। वो कहते हैं अंकल आपने तो बहुत बड़ा चैलेंज कर दिया। मैं कभी चैलेंज नहीं करता, मैं चैलेंज करके सत्संग सुनाता हूँ। मुझे पता है गुरु ने कितनी लोगों पे कृपा की है, मैं बड़े चैलेंज से सत्संग करता हूँ। 3:30 का वहां बैठा हुआ, 10:10 बजे चाय ब्रेड थोड़ा समोसे का प्रसाद आ रहा था। मैं अपनी खुरजी की ये लॉकेट है, ये इसको उतार के ब्लेस करवाता था और पिला देता था। 10:30 बजे उन्होंने हाथ जोड़ दिए कि अंकल आप अपने घर जाओ। मैं घर आ गया। घर आ गया सब लोग हैरान थे गुरु की कृपा, बड़े सत्संग है मेरी लाइफ के। ऐसे मैं घर आ गया, नर्वस था, सो गया।
सुबह उठा, एक सत्संग में जाना था, दो थोड़ी देर के लिए, जैसे मैं पूरा टाइम सत्संग में 4-5 घंटे देता हूँ, मैं 1 घंटे में सत्संग करके आ गया, क्योंकि माइंड डिस्टर्ब था, केस बन गया था। 26-27 निकली, 27 तारीख को मेरी संगत जो इतना प्यार करती है, चाहे वो दिल्ली की है, चाहे पंजाब की है, चाहे हिमाचल की है, चाहे वो मध्य प्रदेश की है, चाहे वो यूपी की है, उन लोगों ने मेरा से बात की कि अंकल कल आपका 28 दिसंबर को बर्थडे है, हम आपको पिक करने आ रहे हैं। मैं क्या आज मैं कहीं नहीं जा पाऊंगा, मेरी डिस्टर्बेंस आपको पता है। तो एक हमारी आंटी हैं, मेरी बेटी जैसी हैं, वो रात को आ गई 10 बजे, उन्होंने मुझे पिक किया और अपने घर ले गई कि अंकल कल आपका बर्थडे हमारे यहाँ सत्संग से शुरू होगा, फिर कई जगह वहां जाएंगे। मैं उनके घर गया, रात को थोड़ा मैं सो गया, उन्होंने बात बात की, मेरा चेंज करने की कोशिश की, सत्संग शेयर किए। तो सत्संग शेयर करते हो तो हमारी दुनिया अपने आप ही बदल सकता है। सानू पता है कि गुरुजी महाराज की कर सकते हैं। 28 तारीख को मेरा सुबह वहां बर्थडे मनाया गया, दोपहर को दूसरी जगह, शाम को तीसरी जगह। मैं 29 तारीख को घर आया, 29 को आया, मेरे ब्रदर एक प्रैक्टिस भी करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, सीए भी हैं, उन्होंने कहा तेरे पे केस रजिस्टर्ड हो गया है, तेरी बेल करवानी जरूरी है, नहीं तो कभी भी ले जाएंगे। मैं कहा मैंने बेल नहीं करवानी, कुछ भी हो जाए, मेरे ऐसे बड़े सत्संग आप सुनोगे, मैंने कोई बेल नहीं ली। 29 को रखा, 30 तारीख को शाम को मैंने एक प्रोग्राम, फर्स्ट सत्संग शुरू हुआ था कुल्लू मनाली का फर्स्ट सत्संग। 30 तारीख को मैं उस ग्रुप में था जिसमें से हमने ऑर्गेनाइज किया था कुल्लू मनाली का फर्स्ट सत्संग। शाम को हम लोग कुल्लू मनाली के लिए चले, जा रहा था तो मेरे पर ये तेरे नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट करके लाएंगे तो दुनिया तमाशा देखेगी, अच्छा लगेगा, आप मत जाओ, आप किसी के घर चले जाओ, रिश्तेदार के मेरे आ जाओ किसी के। मैंने कहा नहीं, मैं चुप के नहीं जीना चाहता, जिसके ऊपर गुरु की मेहर हो उसको किसी से छुपने का क्या डर है। मैं कुल्लू मनाली चला गया रात को, हम 31 को पहुंचे शाम को वहां, के वहां स्नोफॉल हो रही थी, हम अपने अपने रूम में, बहुत सर्दी थी, रात को अपने अपने रूम में जा जाके सत्संग किए हल्के छोटे छोटे। अगले दिन बड़ा वहाँ एक कम्युनिटी सेंटर था, वहाँ बड़ा सत्संग किया, गुरु महाराज ने करवाया, ऑर्गेनाइजर थे हम लोग। मेरी नर्वसनेस खत्म हो चुकी थी वहाँ पहुँचते ही, कुल्लू मनाली की वादियों में इतना आनंद आया कि मेरे को रब के अलावा गुरु के अलावा कुछ। हम वहाँ 6 दिन तक रहे, सात तारीख सुबह हम दिल्ली पहुंचे। मेरी गाड़ी का जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो पुलिस स्टेशन के अंदर खड़ी थी, नई थी, तो मुझे हुआ कि इसकी बैटरी ना चेंज कर ले, ये पुलिस वाले निकाल रहे थे, टायर ना निकाल ले। मैं देखने के लिए गया तो मैंने वहां साथ में पटियाला उस कोर्ट है वहां पता किया, तो वो कहने लगे कोर्ट तो खुलेगी 8 तारीख के बाद। मैं 8 तारीख के बाद गया कोर्ट में, मैंने सुबह एक गाड़ी रिलीज कराने के लिए एप्लीकेशन वहीं टाइप कराई, तो मुझे एक लोकल जो बैठे होते हैं एडवोकेट्स, वो कहते कि अंकल आपको वकील की जरूरत पड़ेगी। मैं क्या मेरे जैसा मेरे साथ है, मुझे वकील क्या करना है। कहते कौन से जैसा, मैं क्या जो मेरे देख सामने देख मेरी तरफ देख। वो कहते जज है, मैं कहा हाँ ये सेशन जज है। मैं जिस कोर्ट में मेरा 21 नंबर कोर्ट में लगा हुआ था, एप्लीकेशन लगाई मैंने, तो वहां पर जज साहब बैठी नहीं थी। मैंने जैसे ही एप्लीकेशन दी तो वहां जो लोकल स्टाफ होता है वो कहते अंकल आप कुछ खर्चा पानी लाए हो। मैं कह किस चीज के लिए,
कहते हैं गाड़ी तो ऐसे रिलीज नहीं होगी जब तक, मैंने कहा तो मैं अगर नहीं होगी तो गाड़ी कभी रिलीज कराऊंगा भी नहीं, यहीं पड़ी रहेगी। मैंने कहा मुझे कंपनसेशन के लिए भेजनी है और क्रेन को मैं लेके आया हूँ, साथ में क्रेन लेके गया था। वो मुझे बड़े गुस्से से बोला कि आप बाहर चले जाइए। मैं कहाँ, मैं बाहर आके खड़ा हो गया। जैसे ही 10:30 बजे जज साहब आके बैठी, मैं वही एप्लीकेशन लेके उनके सामने पेश हो गया और मैंने टेबल उनके सामने रख दी। उनको देखते ही मेरे मुंह से निकला आंटी जय गुरु जी, तो जज साहब का आगे जवाब था कि अंकल जय गुरु जी। कोर्ट खचाखच भरी थी, सारे एडवोकेट्स खड़े थे, मुजरिम खड़े थे, वो देख के रहे थे कि कौन सी आंटी अंकल यहाँ आ गए। तो वो अहमत आगे से चिल्लाया जो जिसने मेरे से कहा था कि खर्चा पानी, कि मैडम मैंने इनको 4 बजे बुलाया, ये सुबह से मेरे सिर पे आके खड़े हैं। जज साहब ने इतनी जोर से डांटा, वो गुरुजी बुलवा रहे थे, कि मैंने पूछा 4 बजे बुलाया या 2 बजे बुलाया, आप चुप रहिए। उसके पसीने छूट गए। उन्होंने आप देखा ना ताव, कहने जिथे मेर तेरी उथे सदा खुशियां, खुशियां तो मेरे लिए उसी टाइम आ गई थी। उन्होंने एप्लीकेशन पे साइज गाड़ी रिलीज और उसी को दी कि जा इनकी गाड़ी साथ रिलीज करा के दे, क्योंकि उनको पता था पुलिस स्टेशन जाएगा वहां डिमांड करेंगे। दिन था 9 जनवरी 2015, 7 को भी लगी थी, 7 को तो मैं आया था, गया ही था कोर्ट। गाड़ी रिलीज हो गई, वो जब आ रहा था वापिस तो जज साहब ने साथ कहा कि वापसी पे आप मिल के जाना। जब मैं वापिस आया तो वो मुझे हाथ जोड़ के पैर पकड़ के बैठ गया कि अंकल मेरी शिकायत नहीं लगा देना, कहते आप क्या आंटी लगती हैं। मैं कह आंटी अंकल का वो प्यार भरा रिश्ता है वही जान सकता है जो मेरे गुरु महाराज के श्री चरणों से जुड़ा है। गाड़ी रिलीज हो गई, मैं आया, मैंने कोर्ट के अंदर खड़े होके गुरुजी का शुक्राना किया, जमीन पर माथा टेक के, तो जज साहब का जवाब आया कि अंकल आप बैठ जाओगे। उन्होंने 2-4 केस किए, अपने रूम में कैबिन में बुला लिया, वहां बैठ के मेरे गुरु महाराज का पहला सत्संग उन्होंने सुना था कि गुरु महाराज क्या है। मैंने कहा वो ब्रह्मांड को अपने उंगली पे निकाल सकते हैं गुरु महाराज मेरे, उन्होंने सुना और उन्होंने छूट देखा कि अंकल आपको कोई दिक्कत आगे से नहीं आएगी। मैं आंसू बहाता हुआ गाड़ी लेके कंपनी को छोड़ के वापिस आया। उन्होंने मेरे से एक क्वेश्चन किया कि आप किस केस में बेल हुई है, मैंने कहा नहीं, और वो नहीं ऐसी थी कि आज तक उस केस में मेरी बेल नहीं हुई और मैं जिंदा घूम रहा हूं। टाइम निकलता गया, गुरुजी का शुक्राना करता गया, मेरा हौसला बढ़ता गया, कोई डर नहीं रहा मेरे अंदर की कोई एक्सीडेंट से कुछ हुआ है। मेन जो बिरला उधर तिलक मंदिर मार्ग में केस रजिस्टर हो रहा था उसकी मेरी कोर्ट नंबर 6 में लगी, पहली मुझे कॉल आ गई कि आपको कल पेश होना है। वहां गया एक जेंट्स मजिस्ट्रेट थे महेश दुदानी, उनके पास जब केस लगा पहुंचा तो उन्होंने मेरे से पूछा ये कैसा हुआ, मैंने सारी हिस्ट्री सुनाई, तो मेरे वहां भी ये निकला कि गुरुजी ने इसका कल्याण किया। वही हिस्ट्री मैंने रिपीट कर दी कि इसकी मौत होती कुछ नहीं मिलना था, वो कंपनसेशन के लिए थी। डेट लगी, मैं वापस आ गया उनको सत्संग सुना के, तो मेरे साथ मेरे एक मित्र थे, वो कहने लगे कि आपको गुरुजी को बहुत मानते हैं मगर इनको सत्संग से क्या लेना। मैं कह ये सत्संग ही मुझे पार लगा रहा है, मेरी दुनिया बदल दी है सत्संग ने, मेरे पास साइकिल नहीं थी, आज मैं क्या हूं ये मेरे दिल से पूछ के देखो, मेरे गुरु महाराज से पूछो। पहली डेट पड़ी 30 जनवरी, उसके बाद 27 फरवरी, 17 फरवरी, फिर 17 मार्च, 6 अप्रैल को मैंने विकासपुरी में एक सत्संग था,
विवाह आंटी है हमारी, ऑर्गेनाइज करती थी, तो उन्होंने बड़े लार्ज स्केल पे सत्संग किया, 400-500 संगत थी। तो सत्संग करते करते मैं रोया, मैंने कहा गुरु जी ने ला के खड़ा कर दिया बिना किसी बेल के, मैं आजाद पंछी घूम रहा हूं, नहीं तो कहां मैं होता आज। 7 अप्रैल को मैं, 6 तारीख को हुआ, तो मैंने कहा कल मेरी इस केस में डेट है और कल ये केस खत्म हो जाएगा। तो वहां सिक्योरिटी के लिए पुलिस खड़ी हुई थी, एक पुलिस के ऑफिसर थे, हवालदार थे या सब इंस्पेक्टर, वो आए कहते अंकल आपका सत्संग बड़ा अच्छा लगा, मगर ये केस जो एक्सीडेंट का आपने कल खत्म हो जाएगा, कहते अंकल 20 साल कम से कम लेके चलना। मैं क्या आपका कहना बिल्कुल ठीक है, मैं क्या 20 साल वहां चलते हैं जहाँ गुरु की कृपा न हो, मेहर न हो, मैं क्या मेरे पे मेहर है, मेरे अंदर बसती है, क्या कर ये खत्म नहीं होगा तो मेरा ये लास्ट सत्संग है आज के बाद। उसके बाद दूसरे सत्संग पे उसी दिन हम द्वारका चले गए। मुझे कोर्ट से फोन आ रहा है संडे के दिन कि अंकल आपकी एक मेन कोर्ट में है और 21 नंबर कोर्ट में 2 डेटें हैं कल एक ही टाइम पे। तो मैंने कहा मैं कैसे अटेंड करूंगा, फोन बंद हो गया। जब मैं सत्संग करके वहां से निकला, अंकल मेरे साथ थे, दोबारा फोन आया कि अंकल आपकी मेन कोर्ट जो 6 नंबर कोर्ट में डेट लगेगी जो 21 नंबर की है वो आगे पोस्टपोन हो गई है। मैं 7 अप्रैल को कोर्ट में पहुंचा, खचाखच कोर्ट भरी हुई थी, उन लोगों के रिश्तेदार जिसकी डेथ हुई थी वो मेरे को मारने के लिए खड़े थे कि अंकल को आज जान से मार देंगे कि अंकल ने हमारे आदमी को मारा है। सत्संग तो मैंने शेयर कर ही दिया था उस दिन भी, मैंने उनको फिर कंप्लेंट की कि इतने लोग खड़े हैं और मुझे आंखें दिखा रहे हैं। उन्होंने फटाफट पुलिस को बुलाया और उनको बाहर कर दिया, मैं उसकी वाइफ और उनका साला। जय साहब को मैंने बताया, कहते हैं उन्होंने जब उसकी हिस्ट्री मुझे सुनाई, 4 बच्चे थे पहले और जिस टाइम उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसकी वाइफ जो थी वो फैमिली वे में थी, उसकी डेथ के 4 बच्चे पहले से 5 हो गया, उसमें लिखा था कि ये लेक्चरर था। जब जज साहब ने उनसे मांगे तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, जो उन्होंने कराया था मंगाया, उन्होंने कहा ये बिहार यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। तो पता लगा जब बिहार यूनिवर्सिटी बनी थी उसमें लेबर था, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल एक क्लास पढ़ा हुआ आदमी नहीं था। उन्होंने उसके वकील को उसी टाइम मीमो इशू कर दिया कि तूने क्या दिया, मैं तेरे को इस केस में अभी फैसला करके लोक अदालत के हिसाब से, कंज्यूमर कोर्ट के हिसाब से मैं 3 लाख रुपया देके इस केस को भी क्लोज कर सकता। मुझे आज इस क्लोज को, इसको क्लोज करने आवाज आ रही थी। जय साहब ने 2 बारी बोला उसके वकील को कि मुझे आज इस केस को क्लोज करना है, इसको मुझे लिंगर ऑन नहीं करना, ये सब फेक डॉक्यूमेंट उठा लो फेंक के मारे। उसके परिवार वालों को कहा अंकल खड़े हैं, इनसे जाके आप बात करो और इनसे सेटलमेंट करो, जो ये कहेंगे उतना हम क्लेम आपको सेटल कर देंगे। वो कहने लगी मेरे को 20,000 चाहिए खर्चे के लिए, नहीं है मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे केस सेटल करना है। ये कौन कर रहा था? वो लौकिक शक्ति जिनका नाम है गुरु महाराज भाटी माइंस वाले जलंधर वाले गुरु जी। उसकी वाइफ से मैंने पूछा, मेरी इंश्योरेंस कंपनी की लायर भी आई हुई थी, मेरा अपना लायर भी था और जज साहब तो मेरे साथ 24 घंटे आज भी है, मेरे केसों का फैसला, मेरी आज तक किसी कोई इतनी पावर नहीं है कि मेरी दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर कोई मेरी गाड़ी को अगर मैं रेड लाइट गलती से रोक भी सके या चलान भी कर सके, ये बड़ी कृपा है। उनसे मैंने बात की, मैंने अपनी इंश्योरेंस कंपनी को लायर को बोला कि जितना कम उसने मेरे से अंडरटेकिंग ले ली, मैं कहा जितना क्लेम बनता है इसको चाहिए आप दे दो, मेरे तो वापिस मुझे तो आएगा नहीं। कहते फिर मैंने अंडरटेकिंग दी तो उसने जो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब उसने पहले वहां प्रोड्यूस किए थे उसके हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी की लायर जो है वो 1,32,00,000 का क्लेम बना के लाई थी।
उसने जैसे सबको बताया तो उनका ये तो सब फेक डॉक्यूमेंट्स है, इसकी तो कोई बैक हिस्ट्री इतनी पावरफुल नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो इसको इतना क्लेम दिया जाए। उनसे मैंने बात की तो उन्होंने एक ही बात कही कि आपने मेरे आदमी को मारा। मैं कहा वो गाड़ी से टच भी नहीं किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बता रही, मगर वो अनपढ़ लोग थे, वो मेरे से हावी होते जा रहे थे। उनको मैंने शांत किया, गुरु जी का स्वरूप दिया, डॉक्टर दिया कि जा गुरु जी तेरा कल्याण करेंगे आज भी। मौत तो उसकी लिखी है, हमारे यहाँ लिखे हुए हैं कि कब है। आप गुरु चरणों से जुड़ गए तो वो दुनिया हमारी बदलती है। आज दुनिया क्यों बदली है, क्यों श्री चरणों में उनके गुरु महाराज के। उसकी वाइफ ने मांगा कि आप मुझे 20 लाख रुपए दे दो, मैं सेटलमेंट कर रही हूँ। उसके ब्रदर, उसका ब्रदर लॉ भी साथ थे, साला साहब। जज साहब को तरस आया कि 4 बच्चे पहले थे, 5वां हुआ, 6ठी उसकी वाइफ, 2 बूढ़े माँ बाप थे, वो रोई चलाई थी, 8 डिपेंडेंट लोग हैं। जज साहब को तरस आया, उन्होंने मेरे को पास बुला के पूछा। मैं कहा जितना आप चाहें दे सकते हैं। उन्होंने 20 की जगह अपने पास क्या करते हैं, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करते हैं। उन्होंने कर दिखाया, मेरा केस खत्म हो गया। उसके बाद मैंने 16 के दिन बाहर जाना था, मैंने पासपोर्ट मेरा बना था, पासपोर्ट मेरा बैन कर दिया। मैंने एप्लीकेशन लगाई सेम जज साहब के पास, मेरे पासपोर्ट की परमिशन मुझे रिन्यूअल की मिल गई, पासपोर्ट रिन्यू हो गया। मुझे किसी ने, लोकल एडवोकेट ने बोला कि आपको 1 महीने से ज्यादा परमिशन। जय साहब को मैंने बताया कि मैं सत्संग पर्पज से जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे 1 साल की परमिशन दे दी। पासपोर्ट मेरा, मैं 4 महीने ऑस्ट्रेलिया में संगत के बीच में रह के आया। केस मेरा स्टेट पर चल रहा था, आज भी चल रहा है, मगर गुरु महाराज के हाथ में फाइल है, वो आगे भू भी नहीं होती। तो जब 2 साल पहले, कोरोना से पहले, मेरे एडवोकेट मिलान ने कहा कि आपके गेस्ट 29 विटनेस हैं और सारे पुलिस के लोग हैं, आपने इनको कुछ नहीं दिया तो ये आपका केस बर्बाद कर देंगे और आपको फिर तो सजा होगी होगी। मैंने कहा क्या करूं, कहते हैं इन सबको खरीद लो। मैं कहा मैं नहीं खरीदता, मैं शरण में लेते हैं, मेरे गुरु महाराज इनको शरण में लेंगे, मैं किसी को कुछ नहीं दे रहा। मेरे गुरु जी के यहाँ लेने देने का रिवाज ही नहीं है तो मैं कहां से इनको दे दूं। उसने कहा अंकल आप परेशान रहोगे, मैं नहीं रहूंगा। गुरु महाराज की कृपा हुई फिर मेरे पे, जो आईओ के पास मेरा केस था, इनके फ्रेंड्स के बच्चे, एक ही पुलिस कॉलोनी के फ्रेंड्स आपस में जा रहे थे रात को गाड़ी लेके इंडिका, क्या उन्होंने किया, ड्रिंक की, ये क्या बहुत कुछ किया, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सुबह आ रहे थे तो डंपर से गुड़गांव में एक्सीडेंट हुआ, 5 बच्चों में से 4 ऑन द स्पॉट की डेथ हो गई और एक मेरा जो आईओ था उसका बच्चा बच गया। वो बेड रिटर्न हो गया, 2-3 साल बेड रिटर्न रहा, लाखों करोड़ों रुपया लग गया इलाज पे, ठीक नहीं हुआ। उसने कोई दरबार नहीं छोड़ा, महाकालेश्वर, बलेश्वर, माता वैष्णो देवी, चिंतपूर्णी, वो जो साउथ में है वहां भी गया, कुछ नहीं मिला। आखिर में उसको किसी ने कहा तू गुरु जी के आश्रम जा, वो गुरु जी के आश्रम गया, वहां जाके समाधि पे माथा मार के टकरे मार के रोने लगा, मैं कहां जाऊं। तो उन्होंने कहा तू गुरु जी का सत्संग करा, तेरे को शांति मिलेगी। वो इंद्रियगंज पुलिस कॉलोनी में है, मैं लातनगर रहता हूँ। वो मेरे यहाँ आया, मैं नैनीताल सत्संग पे गया हुआ था, मेरी वाइफ को मिला, मिला उसने पूछा, उन्होंने कहा उनका नाम तो कुलबीर वसी, ने कहते किटी अंकल कौन है, उन्होंने कहा वही है। तो उस टाइम उसको नहीं रहा, जब मैं वापिस आके उसको मिला, बुला, मैंने बुलाया तो कहते तो हैरान हो गया देख के, आपका तो केस मेरे पास है एक्सीडेंट का। तो मैंने कहा आपको पता है ना मेरे अगेंस्ट है विटनेस सारी, जबकि मेरा कसूर नहीं है। मैं कहा इसीलिए गुरु जी ने मुझे बचाया है।
मैंने कुछ दिन के बाद उसके घर सत्संग किया तो मेरी जब कोर्ट में डेट लगी तो सत्संग से उसके बच्चे को काफी फर्क पड़ा कि सत्संग गुरु महाराज करवाया, मैंने नहीं किया, गुरु महाराज ने करवाया, मैं गया एक नहीं और वो दिल्ली पुलिस को साथ जोड़ने का एक समय था। सारी दिल्ली पुलिस जुड़ गई धीरे धीरे, ट्रैफिक पुलिस, यूपी पुलिस, हरियाणा, एक सत्संग के माध्यम से। आज मैं पूरी दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, बहुत सारी जुडिशरी में भी जाता हूँ सत्संगों के लिए, सिर्फ यही सत्संग गुणगान करता हूँ, सेवा तो जो मिलती है वो करता हूँ। वो 29 विटनेस की जब विटनेस शुरू हुई तो सबने एक ही बात कही थी कि अंकल ने ड्रिंक की हुई थी, अंकल के साथ लड़की बैठी हुई थी, ये पहले मेरी अगेंस्ट कंप्लेंट में था और मैंने लिखा था कि मैं तो सत्संग से आ रहा था और मैं अकेला ही था, मेरे साथ सिर्फ मेरे गुरु जी थे। ओ, विटनेसेस ने जब अपनी विटनेस बॉक्स में है तो उन्होंने कहा हमने जो कंप्यूटर से ऑपरेटर ने हमें रिपोर्ट भेजी थी हमने वही फॉरवर्ड किया, हमने कुछ नहीं देखा। 29 विटनेस मेरे हक में चले गए। आज वो केस की वैल्यू जीरो है, वो किसी टाइम भी खत्म है लॉकडाउन की वजह से। अब एक डेट लगी है 2 फरवरी, मुझे पता है क्या होगा क्योंकि सेशन जज मेरे साथ हैं और मैं उनके सामने हूं और मेरी इतनी प्यारी पूरे ब्रह्मांड की संगत जिनका चार आशीर्वाद जो सब किट्टी पापा बोलती हैं वो मेरे साथ है। ऐसी कृपा गुरु महाराज सब पे बनाए रखे। आपके घरों में बड़ी जल्दी सत्संग होंगे, खुशियां आएंगी अगर उनकी मेहर रही। मैं लाइव सत्संग में आपसे रूबरू होऊंगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्राना। वासन अंकल, बाकी संगत जो कि इतनी मेहनत से हर लैंग्वेज में बुक पब्लिश करने जा रहे हैं, उन पे गुरु जी की कृपा बनी रहे, उनके परिवार पे, बाकी संगत पे भी। और ये सत्संग मगध और यूं ही चलता रहे। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी किट्टी अंकल, जय गुरु जी किट्टी अंकल, किट्टी अंकल, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी, गुरु जी की कृपा दृष्टि, गुरु जी की जो कृपा, गुरु जी ने जो कृपा की है सब संगत पे और आप पर, आपके सत्संग सुने हैं, गुरु परिवार गदगद हो गया है आपका सत्संग सुन के। वी ऑल आर स्पीचलेस। जय गुरु जी अंकल। बहुत ही अच्छा आपका, बहुत ही मैसेजेस हर संगत को मिले हैं और मैं ज्यादा ना बोलते हुए बस यही कहूंगा कि गुरु जी की कृपा हम सब पर बनी रहे और गुरु जी को जो सच्चे मन से जुड़ता है उस पर कृपा हमेशा गुरु जी बनाते हैं बनी रहे। और बस और जैसे कि आप, आपकी ये बहुत महानता है कि आप, आपकी आई सर्जरी होने के बावजूद भी आपने आज समय दिया है, 15 दिन के अंदर ही आपने समय दे दिया, तो ये आपकी बहुत महानता है। मैं आपका जैसे गुरु परिवार की तरफ से बहुत बहुत चरणों में 24 घंटे ऐसे ही सेवा में लगा रहा हूँ। बस आप इतना आशीर्वाद दीजिए मैं ठीक होके फिर आपके बीच में मैं सत्संग में डेली जाता हूँ। आपका जब हुक्म होगा मैं फिजिकली आपके पास प्रेजेंट हो जाऊंगा। सारे केसेस, सारे जो केस है, जो हमारे जो सेशन जज हैं गुरु जी महाराज, वो सब आप पे कृपा रखेंगे। और ये केस तो है ही नहीं, अब तो ये केस है ही नहीं, अब तो बस खत्म। मैं तो बर्ड की तरह गुरु महाराज बहुत कृपा बनी हुई है। जय गुरु जी। और सात संग जी को ये बताना चाहता हूँ कि किट्टी अंकल ने हर महीने अपना सत्संग करने के लिए आज अपनी स्वीकृति दे दी है, तो आने वाले दिनों में अंकल से पूछ के एक एक दिन जैसे अंकल को सहूलियत होगी वैसे हम, मैं नेक्स्ट मंथ जनवरी से आपको एक दिन के लिए
बिल्कुल होंगे, आप लाइव कराएंगे वहां भी आ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और आपका अगर हुक्म होगा तो आप जिस सिंगर को बोलेंगे मैं साथ लेके आऊंगा, जिस सिंगर को बोल देंगे आप। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। और भी पूजा आंटी ठीक है, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और भी अंकल एक मिनट, और भी जय गुरु जी, जय गुरु जी अंकल। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज का, और बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्राना आपका कि जो आपने इतनी अच्छी जर्नी। आंटी मैं बड़ी जल्दी आपके सामने लाइव भी रहूंगा, बस आप लोगों का प्यार बना रहे और ऐसे कृपा बनी रहे। यस मैम, गुरु जी महाराज की कृपा है और हम सब एक परिवार है। गुरु जी ने बोलते थे कि मैं परिवार छोड़ के जा रहा हूँ, तो ये हम परिवार ही है, ये सब गुरु जी के ही है। आपकी निष्काम सेवा, आपका अटल विश्वास, बहुत सारे लोगों को आपने मैसेज दिए है, हमारा भी विश्वास बहुत स्ट्रॉन्ग किया अंकल। आपके जैसा विश्वास गुरु जी महाराज, ये सब गुरु जी की बख्श है जो हमें कंट्रोल करते हैं, इतना बख्श। आपकी 7 नंबर से कनेक्टिविटी, बहुत बहुत मन इतना खुश हो गया, इतना आत्मविभोर हो गया आपके सत्संग सुन के, बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अंकल। उन्होंने मुझे कभी महसूस नहीं दिया कि आई एम 72, मैं एक यंग बच्चे की तरह मैं आपके सामने खड़ा हो रहा हूँ। अब ये देखिए, ये मेरा रूटीन है डेली, और गुरुजी महाराज यही है। अभी उन्होंने बहुत बड़ा मुझे ब्लेस किया, अगले सत्संग में बताऊंगा, अभी मैं दरबार दिखाऊंगा आपको, अभी मैंने लगाया नहीं। मैंने अभी जो गुरु जी ने मुझे अभी कोठी दिया है, मैं मास्टरशिप क्यों पेरेंट्स की कोठी से, ये कोरोना पीरियड में मुझे गिफ्ट किया। ओके अंकल, हम लोग अभी नेक्स्ट आपकी जगह आपको एक मिनट आपको मैं गुरु जी के समय से जो गुरु जी ने मुझे अपने हाथ से दिया था, ब्लेस किया था, स्वरूप में दिखा रहा हूँ। मैंने अभी स्थापना, क्योंकि मैं अभी जस्ट शिफ्ट हुआ हूँ यहाँ, ये देखिए अभी स्थापना इसकी हुई नहीं, एक मिनट, सॉरी एक मिनट, जब एक हेलो। हाँ जी, जय गुरु जी अंकल। अंकल अब करिए, आंटी आपकी पिक्चर नहीं आ रही। हाँ जी अंकल, हम देख पा रहे हैं आपको। एक मिनट लिंक कट गया आंटी, एक मिनट। अंकल यू आर बिजी, ऑनलाइन हम सुन सकते हैं। अंकल आपको एक वो भेजा है, स्टार्ट वीडियो वाला बटन, वो प्रेस कीजिए प्लीज। एक मिनट अंकल, मेरा ना वो एक लोग पिक्चर चली गया। अंकल आपको नजर आ रही है फिल्म? यस अंकल, जी अंकल। आंटी ये देखिए, जय गुरु जी, जय गुरु जी, ये गुरु जी के समय के आंटी, जय गुरु जी। बहुत बढ़िया गिफ्ट दिया गुरु जी ने हमें आपके, ये हैंडमेड है आंटी। ओके अंकल जी, अभी हम लोग शिफ्ट किए हैं तो अभी ये इसीलिए मैंने ढके रखा हुआ था।
जय गुरु जी, थैंक यू सो मच अंकल, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, आज हम बहुत बहुत धन्य हो गए अंकल, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू अंकल। अंकल आज का सत्संग मेमोरेबल सत्संग है हमारी जूम की हिस्ट्री में, मेमोरेबल सत्संग। जय गुरु जी, थैंक यू अंकल, थैंक यू, शुक्राना अंकल, शुक्राना। हाँ जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अंकल थोड़ा वेट करना, शुक्राना भजन के लिए प्लीज वेट करना जी। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। तेरा शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ। शुक्र मनाने हर वेले गुरु जी, तेरा शुक्र मनाने तेरे तो दर तेरा लगे प्यारा गुरु जी, तेरा लगे प्यारा, दर तेरा लगे प्यारा। दर तेरे दी शोभा वखरी दिसे अजब नजारा, से अजब नजारा गुरु जी लगता बड़ा प्यारा, दिसे अजब नजारा गुरु जी लगता बड़ा प्यारा। हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने आ, शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ, तेरा शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ, तेरा शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ, हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने आ। नहीं जो खिंच है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं जो किछ है सो तेरा गुरु जी, जो किछ है सो तेरा गुरु जी, जो किछ है सो तेरा,
मेरा तुझको सौंपते हैं, क्या लागे मेरा गुरुजी, क्या लागे मेरा गुरुजी, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा गुरुजी, जो किछ है सो तेरा, क्या लागे मेरा गुरुजी, जो किछ है सो तेरा, हर वेले हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने आ, हर वेले गुरु जी तेरा शुक्र मनाने आ, तेरा शुक्र मनाने आ, तेरा ही दिता खाने आ।